आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल सामने आने के बाद क्रिकेट फैंस की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि भारतीय टीम में किन 15 खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा और कौन बाहर बैठेगा। वर्ल्ड कप के लिए कई खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की है, कुछ का चयन एकदम पक्का है जबकि कुछ के नाम पर अभी भी बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा जहां स्पिन गेंदबाजों का बड़ा रोल देखने को मिलेगा। इसी बीच पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का एक बड़ा बयान सामने आया है। दादा का ऐसा कहना है कि विश्व कप के लिए टीम इंडिया में एक रिस्ट स्पिनर का होना बहुत जरूरी है। आगामी वेस्टइंडीज दौरे से टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू करेगी। वनडे टीम में विंडीज दौरे के लिए बतौर मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को चुना गया है। वर्ल्ड कप की टीम में भी इनका चयन लगभग पक्का माना जा रहा है। हालांकि प्लेइंग 11 में बतौर स्पिनर पहली पसंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ही होंगे। अक्षर पटेल भी 15 में चुने जाने के प्रबल दावेदार हैं, जबकि रविचंद्रन अश्विन को भी एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है। चहल की बात करें तो पिछले काफी सालों में वह टीम इंडिया के लिए लगातार मैच जिताऊ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हालांकि पिछले दो T20 वर्ल्ड कप में उनके साथ काफी नाइंसाफी भी देखने को मिली। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में उनको टीम में नहीं चुना गया था, जबकि 2022 में टीम में होने के बाद भी उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। पूरे टूर्नामेंट में वे साथी खिलाड़ियों को सिर्फ पानी पिलाते हुए ही नजर आए थे। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में चहल के साथ की गई अनदेखी पर कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ की काफी आलोचना भी हुई थी। गांगुली के अनुसार भारत को एक काबिल रिस्ट स्पिनर की आवश्यकता है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में भारत को एक रिस्ट स्पिनर की तलाश होगी। जडेजा वहां पर हैं, आर अश्विन भी वहां पर हैं, अक्षर पटेल वहां पर होंगे जो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव का भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन युजवेंद्र चहल पता नहीं क्यों ऐसे बड़े टूर्नामेंट के लिए नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। लिमिटेड ओवर्स में उनका परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा है, फिर चाहे वनडे क्रिकेट की बात हो या फिर T20 इंटरनेशनल की, उनके ऊपर एक निगाह रखना काफ़ी ज़रूरी है। आपको बता दें कि 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भी चहल टीम इंडिया का अहम हिस्सा थे। उन्होंने 8 मैचों में 12 विकेट लिए थे और टीम इंडिया ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। अगर वनडे वर्ल्ड कप में चहल को मौका दिया जाता है तो वह टीम के लिए काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत में खेले 18 वनडे में उन्होंने कुल 30 विकेट हासिल किए हैं। ओवरऑल इस फॉर्मेट में चहल के नाम पर 72 मैचों में 121 विकेट दर्ज हैं।